नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं नंदिनी विनय और आप देख रहे हैं साउथ ब्लॉक डिजिटल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। बंगाल की खाड़ी से 2 दिसंबर को उठा साइक्लोन मिचोंग अब आंध्र प्रदेश पर कहर बरपा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक बात करें तो इस दौरान 90 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। साइक्लोन को लेकर आंध्र प्रदेश में हाई अलर्ट जारी कर दी गई है। राज्य सरकार ने तिरुपति, नेल्लौर, प्रकाशम, बापटला, कृष्णा, पश्चिम गोदावरी, कोनसीमा और काकीनाड़ा जिले में रेड अलर्ट जारी कर दिया है। इन 8 जिलों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 5-5 टीमें भी तैनात की गई है। इधर तमिलनाडु में मंगलवार को बारिश में कमी देखने को मिली, लेकिन सोमवार के तूफान से चेन्नई में काफी तबाही मची है। वहीं दूसरी तरफ इस तबाही में 8 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। साइक्लोन मिचोंग ने आंध्र प्रदेश की तरफ बढ़ने से पहले तमिलनाडु में काफी तबाही मचाई। रविवार 3 दिसंबर सुबह से चेन्नई में करीब 400 से 500 मिलीमीटर बारिश हुई। तमिलनाडु के वाटर सप्लाई मिनिस्टर के मुताबिक चेन्नई में 70 से 80 साल में पहली बार ऐसी बारिश देखने को मिली है। वहीं सड़कों पर कारें तैरती नजर आई, साथ ही एयरपोर्ट पर हवाई जहाज भरे पानी में खड़ा रहा। इधर संसद के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन 2 बिल पास किए गए, जिसमें राज्यसभा ने आम आदमी पार्टी यानी आपके संसद राघव चड्ढा का निलंबन समाप्त करने का फैसला लिया। एक तरफ जहां 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को इंडिया गठबंधन के सभी विपक्षी पार्टियों की बैठक बुलाई थी, वहीं दूसरी तरफ संसद के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन कांग्रेस पार्टी की संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी संसद भवन पहुंची। आपको बता दें कि यह बैठक विपक्ष के नेता कक्ष में शुरू हो चुका है। राजस्थान में चुनाव नतीजे आने के बाद सीएम पद को लेकर लगातार सस्पेंस बढ़ता नजर आ रहा है। आज वसुंधरा राजे के घर पर करीब 20 से ज्यादा बीजेपी के विधायक पहुंचे। इसे देखकर लोग ये अंदाजा लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं शायद राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को सीएम पद के ताज पोशी के लिए हाई कमान के तरफ से ग्रीन सिग्नल मिल गया है, या फिर ऐसा भी माना जा सकता है कि राजे ने आग से खेलने की तैयारी कर ली है, क्योंकि बीजेपी में किसी भी नेता की इतनी हिम्मत नहीं है कि केंद्रीय नेतृत्व के बिना ग्रीन सिग्नल के अपने घर पर विधायकों की परेड करा सके। दूसरी ओर सीएम पद के एक और दावेदार माने जा रहे बालकनाथ दिल्ली पहुंच गए हैं। ऐसे में जनता ने ये सवाल भी खड़ा किया है कि क्या वसुंधरा बीजेपी में सचिन पायलट के पद चिन्हों पर चल रही हैं। मिजोरम में जोरम पीपल मूवमेंट यानी ZPM ने 40 सदस्यीय सदन में 27 सीट जीतकर मिजो नेशनल फ्रंट यानी MNF को मात देते हुए सत्ता हासिल कर ली है। MNF को 10 सीट पर जीत मिली, जबकि भाजपा केवल 2 और कांग्रेस केवल 1 की सीट पर जीत हासिल कर पाए। जीत हासिल करने वाले ZPM के प्रमुख नेताओं में पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार लालू डोहोमा भी शामिल हैं। उन्होंने शेरशिप सीट पर मिजो नेशनल फ्रंट के वान चावंग को 2900 से भी ज्यादा मतों से हराया है। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री जोरम थंगा आइजोल स्टेट प्रथम सीट पर ZPM उम्मीदवार लालथन सांगा से 2101 मतों से हार गए। मिजोरम में 2018 के विधानसभा चुनाव में MNF ने 26 सीटें जीती थीं। ऐसा इतिहास में पहली बार होगा कि 1987 में गठन के बाद से पूर्वोत्तर राज्य में गैर कांग्रेसी और गैर MNF सरकार का शासन होगा। अब यह तय माना जा रहा है कि ZPM नेता लालू दोहोमा मुख्यमंत्री बनेंगे। हर किसी के मन में एक ही सवाल है कि मिजोरम में इतना बड़ा उत्पात मचाने वाला लालू दोहोमा कौन है। भारत सरकार ने कई हाई प्रोफाइल नियुक्तियों को मंजूरी देते हुए नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के पद पर वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी को चुन लिया है। दिनेश त्रिपाठी वर्तमान में पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के पद पर हैं। वहीं नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख वाइस एडमिरल सूर सिंह को पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में नियुक्त किया गया है। ये दोनों नियुक्तियां नए साल की शुरुआत में लागू होने जा रही है। दिनेश त्रिपाठी के पास नौसेना क्षेत्र का काफी अनुभव है। वह पहले भी कार्मिक प्रमुख, फ्लीट कमांडर और भारतीय नौसेना के फ्रंट लाइन विध्वंस की कमान संभाल चुके हैं। आपको बता दें कि यह जानकारी मामले से परिचित लोगों ने दी है। संसद के दूसरे दिन की कार्यवाही शुरू होने से पहले पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के बयान पर कांग्रेस सांसद अधीर
रंजन चौधरी ने हमला बोला है। ममता ने बीते दिन 3 राज्यों में हार के लिए कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कांग्रेस को अकेला जिम्मेदार बताया था, जिसके बाद अब अधीर ने उन पर पलटवार करते हुए कहा कि ममता का रवैया चुनाव से पहले भी ऐसा ही था। अधीर ने ममता पर एक बड़ा इल्जाम लगाते हुए बोला कि 5 राज्यों में चुनाव होने के बावजूद ममता ने कभी भी लोगों से भाजपा को हराने के लिए विपक्ष को वोट देने की अपील नहीं की है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जहां भाजपा ने मिचौंग चक्रवात से प्रभावित कुछ परिवारों की मदद करते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो के जरिए भाजपा ये दर्शाना चाह रहे हैं कि भाजपा परिवार के लिए जीवन का एकमात्र अर्थ मानवता की सेवा करना है। तमिलनाडु में भाजपा के कार्यकर्ता चक्रवात प्रभावित चेन्नई में अपना समर्थन देने के लिए सभी बाधाओं को पार कर रहे हैं। भाजपा के कुछ कार्यकर्ता मध्य चेन्नई क्षेत्र में खाना, दूध, ब्रेड और अन्य आवश्यक वस्तुओं की डिलीवरी भी करते हुए नजर आए। सोमवार को भारत दौरे पर पहुंचे केन्या राष्ट्रपति विलियम सोमई रूतो का आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वागत किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी भी मौजूद रहे। बता दें कि केन्याई राष्ट्रपति 3 दिवसीय दौरे पर भारत आए हैं। बीते 6 सालों में यह केन्या के किसी भी राष्ट्रपति की पहली भारत यात्रा है। इस यात्रा का उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर करना है। वहीं इस दौरान केन्या के राष्ट्रपति ने कहा कि भारत और केन्या बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैं राष्ट्रपति महोदय और अपने अच्छे मित्र प्रधानमंत्री के निमंत्रण पर भारत आया हूँ। मेरी अपेक्षा है कि हमें केन्या और भारत के बीच संबंधों को मजबूत करने की जरूरत है। हम देख रहे हैं कि हम ग्रामीण विकास और खासकर कृषि के क्षेत्र में साझेदारी कर सकते हैं। उन्होंने इसके अलावा कई अन्य चीजों पर भी चर्चा करने की बात कही। एक तरफ जहां भारतीय क्रिकेट टीम T20 सीरीज का खिताब जीतकर जश्न मना रही है, वहीं दूसरी तरफ स्टार ऑफ द क्रिकेट शिखर धवन के जन्मदिन पर उनके फैंस उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं और बधाइयां देते हुए उत्सुक नजर आ रहे हैं। यानी कि ये भी कहना गलत नहीं होगा कि आज क्रिकेट वर्ल्ड में एक नहीं दो दो खुशियां नजर आ रही है। सिर्फ फैंस ही नहीं, धवन को और भी चहीते नेता और अभिनेताओं ने भी जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं भेजी। विश्व कप फाइनल के 11 दिन बीत जाने के बाद BCCI ने टीम इंडिया के हेड कोच राहुल द्रविड़ और कप्तान रोहित शर्मा के साथ टूर्नामेंट में टीम इंडिया के परफॉर्मेंस की रिव्यू मीटिंग की है। इस मीटिंग में कोच और कप्तान से टीम इंडिया के फाइनल में एक तरफा हार का कारण भी पूछा गया, जिसके जवाब में कोच राहुल द्रविड़ ने अहमदाबाद की पिच को हार का सबसे बड़ा कारण बताया है। इसके अलावा कप्तान रोहित शर्मा ने भी द्रविड़ के ही बातों को दोहराया है। इधर अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में बहुत मामूली तेजी दिख रही है। मंगलवार सुबह 6 बजे के करीब WTI क्रूड हरे निशान में रहते हुए $73.23 प्रति बैरल पर बिक रहा है। वहीं बात अगर भारत की करें तो भारत के 4 महानगर दिल्ली में पेट्रोल 96.72 रुपये और डीजल 90.08 रुपये प्रति लीटर, मुंबई में पेट्रोल 106.31 रुपये और डीजल 94.27 रुपये प्रति लीटर, कोलकाता में पेट्रोल 106.03 रुपये और डीजल 92.76 रुपये प्रति लीटर, और वहीं चेन्नई में पेट्रोल 102.77 रुपये और डीजल 94.37 रुपये प्रति लीटर बताई जा रही है। एक तरफ जहां भारत के कुछ राज्य जैसे पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना में इसके दामों में बढ़त हुई, तो वहीं दूसरी तरफ पंजाब, जम्मू कश्मीर, केरल, ओडिशा और गोवा में पेट्रोल डीजल की कीमत में गिरावट देखने को मिली। टीवी के पॉपुलर क्राइम शो CID में फ्रेडिक्स का किरदार निभाने वाले दिनेश फडणवीस का कल रात 4 दिसंबर को निधन हो गया है। दिनेश कुछ दिनों से जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे थे, जिसके बाद उन्होंने मुंबई के तुंगा अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहीं अब अभिनेता की कल रात करीब 12 बजे मौत हो गई। अभिनेता के निधन के बाद से ही टीवी इंडस्ट्री में गम का माहौल है। बता दें कि दिनेश की हालत गंभीर थी और वे अस्पताल में वेंटिलेटर सपोर्ट पर थे। वो काफी समय से लिवर डैमेज से लड़ाई लड़ रहे थे। हालांकि आखिरकार बीती रात उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। जवान और पठान के साथ बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाने वाले शाहरुख खान अब एक बार फिर बड़े धमाके के लिए तैयार हैं। 2023 की
मच अवेटेड फिल्म डंकी का ट्रेलर सामने आ गया है। ट्रेलर में शाहरुख खान का स्वैग और विकी कौशल की धमाकेदार परफॉर्मेंस ने फैंस को सीटियां बजाने पर मजबूर कर दिया है। बता दें कि इस बार शाहरुख खान एक अलग अवतार में नजर आ रहे हैं। उनके साथ तापसी पन्नू, विकी कौशल, विक्रम कोचर और अनिल ग्रोवर भी फिल्म में महत्वपूर्ण किरदार निभा रहे हैं। इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन का प्रमुख और आतंकी लखबीर सिंह की मौत की खबर सामने आई है। रोडे खालिस्तानी आतंकवादी जरनैल सिंह भिंडरवाले का भतीजा था। बता दें कि लखबीर सिंह को UAPA एक्ट के तहत आतंकवादी घोषित किया गया था, जिसके चलते वह पाकिस्तान भाग गया था। उसे 1985 में एयर इंडिया जेट पर बमबारी का भी आरोपी माना जाता है। 72 वर्ष का रोडे भारत विरोधी अभियानों में शामिल था और कई आरोपों से घिरा हुआ था। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो लखबीर की मौत का कारण दिल का दौरा पड़ना बताया जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के एक शीर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भारत दौरे पर हैं। व्हाइट हाउस के अनुसार दिल्ली में हुई बैठक में अमेरिका सुरक्षा सलाहकार भारतीय अधिकारियों के साथ खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या के प्रयास में संबंधित आरोपों सहित विभिन्न द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत करेंगे। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। लगातार अपडेटेड खबरों को देखने के लिए बने रहे साउथ ब्लॉक डिजिटल के साथ। नमस्कार।